हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो बेटा, एज़ यू नो कि हमारा चैप्टर 2 डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ये बात आप सभी को पता है। एंड लास्ट क्लास में हमने इसकी जो एक्सरसाइज थी, इसमें फिल इन द ब्लैंक, टिक मार्क आनी, हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, तो मैंने आपके साथ होमवर्क भी दिया था, होप आप सभी ने कर लिया होगा। एंड आंसर्स आप मैच कर सकते हैं मेरे साथ, और मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स इसमें लिखे हैं। पहले तो आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ है, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। एंड सेकंड भी आपके आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी मैंने लिख दिए हैं, मतलब वही मैंने आपसे मेंशन कर दिए हैं। बट जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, शॉर्ट नोट लिखना था, वो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बता दी है, आप उसी को लिख सकते हैं। एंड उसी को आप जो और जितना भी आप चाहे उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, प्रिजुडिस और स्टेरियोटाइप में मतलब डिफरेंसेस बताना है, तो मैंने आपका जो स्टेरियोटाइप है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और प्रिजुडिस की मैंने जो आंसर्स है वो मैंने आपको इससे मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। तो सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करो, ठीक है बेटा। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।